नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। यूपी के प्रयागराज में माफी आतिक अहमद और अशरफ की कब्र पर तिरंगा चढ़ाने वाले कांग्रेस से निष्कासित नेता राजकुमार सिंह रज्जू को जेल भेज दिया गया है। कोर्ट ने राजकुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। साउथ मलाका निवासी राजकुमार उर्फ रज्जू ने बुधवार को आतिक अशरफ की कब्र पर तिरंगा चढ़ाया था। राजकुमार ने आतिक अशरफ को भारत रत्न के साथ ही शहीद का दर्जा देने की भी मांग की थी। बीजेपी गठबंधन से अपना दल एस और समाजवादी पार्टी गठबंधन ने स्वार उपचुनाव में अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। 20 अप्रैल को दोनों ही सीटों पर नामांकन भी खत्म हो गया है, लेकिन दोनों ही गठबंधन दलों के फैसले ने राजनीति के बड़े जानकारों को चौंका दिया। अब मुस्लिम बहुल स्वार सीट पर मुकाबला दिलचस्प होना तय माना जा रहा है। सेम सेक्स मैरिज पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के हलफनामे की आलोचना करते हुए टीएमसी नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि वो समान लिंग विवाह का समर्थन करते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि हर किसी को अपना जीवन चुनने का अधिकार है। उन्होंने इस मुद्दे पर देरी करने के लिए केंद्र सरकार की भी आलोचना की है। करोड़ों की गाड़ी पर सवारी बेशुमार दौलत, लेकिन हाथ में लेकर चलते हैं 1150 रुपए का मोबाइल फोन। ये कहानी यूपी के हर माफिया की है, या यूं कहे कि बड़े से बड़े तुर्रम खां गुंडे भी सस्ता फीचर फोन इस्तेमाल करते हैं। बेशुमार दौलत जोड़ने के बाद भी इस पैसे में रहने वाले लोगों को स्मार्टफोन की बजाय फीचर फोन ही भाता है। ये बात आपको हैरान कर रही होगी, लेकिन सच है। सोचने वाली बात है कि माफिया डॉन जैसे लोगों के पास खूब पैसा होता है, फिर भी वो महंगे फोन की बजाय सस्ते दाम वाले ही फोन फीचर फोन यूज करते हैं। इसकी बड़ी वजह है कि ट्रैकिंग जिससे बचने के लिए फीचर फोन एक अच्छा विकल्प है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों दिल्ली के इलाकों का लगातार दौरा कर रहे हैं। हाल ही में उन्हें पुरानी दिल्ली और बंगाली मार्केट में देखा गया। इसी क्रम में वो गुरुवार को दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में पहुंचे और यहां पर छात्रों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा लेने वाले छात्रों के साथ भी चर्चा की है। मुखर्जी नगर उत्तरी दिल्ली का एक इलाका है। इस इलाके में सरकारी नौकरी के लिए परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र रहते हैं। इन्हीं छात्रों से चर्चा के लिए राहुल गांधी पहुंचे थे। राहुल गांधी के साथ उनके भांजे रेहान वाड्रा भी नजर आए। क्या पॉपुलर वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के पहले बिजनेस के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो आपको बता दें कि डीवीडी को किराए पर देना नेटफ्लिक्स का सबसे पहला कारोबार है। हालांकि अब यह बिजनेस ठहरता नजर आ रहा है। अमेरिकी कंपनी ने डीवीडी रेंटल बिजनेस को बंद करने का फैसला किया है। कंपनी ने कहा है कि ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग की वजह से डीवीडी का बिजनेस घट रहा है। बता दें कि नेटफ्लिक्स ने 25 साल पहले अपना फर्स्ट बिजनेस शुरू किया था। कंपनी ने डीवीडी किराए पर देने के साथ बिजनेस की शुरुआत की थी। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की। इसी दौरान दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी हुई है। उन्होंने कहा है कि हमने G20 यूक्रेन युद्ध सहित कई अन्य मुद्दों पर चर्चा भी की, मगर ज्यादा बातचीत सूडान के मुद्दे पर हुई है। एस जयशंकर ने कहा कि एंटोनियो गुटेरेस के साथ अच्छी बैठक हुई, सूडान के हालातों पर अधिक चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि हमने G20 और यूक्रेन संघर्ष पर भी चर्चा की, लेकिन सूडान के बारे में अधिक बातचीत हुई है। देश में सिविल सर्विस डे मनाया जा रहा है। इस मौके पर एक आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली के विज्ञान भवन में पीएम मोदी ने सिविल सेवकों को संबोधित किया। सिविल सेवकों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश में आजादी के अमृत काल का दिन चल रहा है। मैं ही नहीं, पूरी दुनिया कह रही है कि भारत का वक्त आ गया है। हम ऐसे वक्त में ब्यूरोक्रेसी को मजबूत करना चाहते हैं। यह ऐसा समय है जब देश ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूर्ण किए हैं। यह ऐसा समय है जब देश ने अगले 25 वर्षों के विराट और विशाल लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तेजी से कदम बढ़ाना शुरू किया है। तमिलनाडु फर्जी वीडियो मामले में गिरफ्तार यूट्यूबर मनीष कश्यप के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई है। सुनवाई के बाद ऐसा लग रहा है कि मनीष कश्यप को राहत मिलने के आसार है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मनीष कश्यप पर एनएसए लगने को लेकर तमिलनाडु सरकार से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को मुकर्रर की गई है। दिल्ली के साकेत कोर्ट में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसने कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर पुलिस के इंतजाम पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के एक मामले में गवाही देने आई एक महिला पर वकील की ड्रेस पहनकर आए एक व्यक्ति ने कोर्ट रूम में ही ओपन फायरिंग कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। महिला को आनन फानन में अस्पताल लेकर जाया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक जिस व्यक्ति ने महिला पर फायरिंग की है वह आदतन अपराधी और पेशे से वकील है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, अल्जीरिया, बहरीन के मुस्लिम 21 अप्रैल शुक्रवार को ईद मना रहे हैं, तो वहीं भारत, पाकिस्तान, थाईलैंड, सिंगापुर और मलेशिया में 22 अप्रैल को ईद मनाए जाने की उम्मीद है। भारत में ईद का चांद 21 अप्रैल को देखा जाएगा। अगर आज यहां दिखाई देता है तो 22 अप्रैल को ईद का जश्न मनाया जाएगा। तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में शुक्रवार को एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। इससे रेल यातायात काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। दक्षिण रेलवे अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना बेंगलुरु डिवीजन के रायकोटई में घटी है। इस घटना के बाद दक्षिण रेलवे ने फौरन ही 4 ट्रेनों को रद्द कर दिया। एक अधिकारी ने बताया कि कुछ ट्रेनों को धर्मपुरी होसूर रूट से बजाय जोलारपेट्टई तिरुपातूर के रास्ते डाइवर्ट किया जा रहा है।
सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर फिर से सुर्खियों में। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार एलन मस्क ने जब से सोशल मीडिया कंपनी को खरीदा है तभी से कंपनी लगातार बदलावों से गुजर रही है। इस कड़ी में अब ट्विटर के वैसे अकाउंट से ब्लू टिक को हटा दिया गया है जिन्होंने ट्विटर ब्लू का पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है। यह बदलाव प्रभावी हो चुका है और इसके चलते कई नामी गिरामी लोगों के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है। इसके तहत मिली धनराशि से कई राज्यों में लोगों को खुद का मकान बनाने में सहायता मिली है। हालांकि इस योजना को लेकर बिहार में एक चौंका देने वाली खबर भी सामने आई है जहां नीतीश कुमार के पीएमवाईजी के कुल 2.21 लाख लाभार्थियों को नोटिस भेजे गए हैं। बता दें कि ये नोटिस लोगों को इसलिए भेजे गए क्योंकि योजना के तहत प्रशासन ने उन्हें 1.20 लाख रुपए की राशि आवंटित की थी लेकिन इसके बावजूद भी लाभार्थियों ने मकान नहीं बनवाए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 16वें राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस समारोह के समापन सत्र को संबोधित करते हुए देश में लागू पुराने सिस्टम पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पहले यह सोच थी कि सरकार सब कुछ करेगी लेकिन अब सोच है कि सरकार सबके लिए करेगी। इस भावना के साथ टाइम और रिसोर्स का बहुत प्रभावी उपयोग कर रही है। उन्होंने कहा है कि आज सरकार का ध्येय है कि नेशन फर्स्ट सिटीजन फर्स्ट। आज की सरकार की प्राथमिकता है वंचितों को वरीयता। कोच्चि के निवासियों के लिए भारत और दक्षिण एशियाई में पहली वाटर मेट्रो सर्विस का इंतजार खत्म हो गया है। कोच्चि वाटर मेट्रो सेवा का पहला चरण 25 अप्रैल को शुरू होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे तिरुवनंतपुरम सेंट्रल स्टेडियम से दूर से लॉन्च करेंगे। पहली नाव हाईकोर्ट जंक्शन से वाईपीन के बीच चलेगी। उद्घाटन के बाद उस दिन जनता के लिए कोई सेवा नहीं होगी। नावें हर 15 मिनट में सुबह और शाम के समय चला करेंगी। इस जल परिवहन प्रणाली में आधुनिक सुविधाओं और विश्व स्तरीय टर्मिनलों के साथ मुख्य एसी इलेक्ट्रॉनिक नौकाएं शामिल होंगी। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की है। शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि वजू के लिए पर्याप्त पानी और टब की व्यवस्था ज्ञानवापी मस्जिद के पास ही की जाएगी। जिलाधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि वही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यूपी सरकार की तरफ से कहा है कि वजू के लिए 6 टब मुहैया कराए जाएंगे और समुचित पानी की व्यवस्था रहेगी। रमजान और ईद के दौरान मस्जिद परिसर में ही वजू करने की मांग मस्जिद कमेटी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई थी। इंदौर शहर का रेलवे स्टेशन भी एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित होगा जहां रेलवे स्टेशन को आगामी 50 सालों की जरूरत के हिसाब से तैयार किया जाएगा। रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण के कार्यों का आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखने जा रहे हैं जहां वे आगामी 24 अप्रैल को रीवा प्रवास के दौरान लगभग 1000 करोड़ की लागत से बनने जा रहे इंदौर रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखेंगे। इंदौर रेलवे स्टेशन को 3 सालों में नया स्वरूप देने का लक्ष्य भी रखा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रैली के बाद कांग्रेस के सीनियर नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने उन पर जुबानी हमला बोला है। सिद्धू ने केजरीवाल को नाम लिए बिना ही अपने ट्विटर हैंडल से लिखा है कि आप ईमानदारी की बात करते हो लेकिन आपको आबकारी नीति से दिल्ली में 9 महीने में 2200 करोड़ का नुकसान हुआ। ये 2200 करोड़ किसकी जेब में गए? हर कोई इस नीति के माध्यम से आप पर चोरी का आरोप लगा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों को राहत देने का काम कर रही है। ओलावृष्टि, बाढ़, बारिश और सूखे में फसल बर्बाद होने पर किसानों को मुआवजा दिया जाता है। किसानों को सब्सिडी पर बीज उपलब्ध कराए जाते हैं। वहीं कई सारी मशीनों पर भी भारी छूट दी जाती है। इसके अलावा किसानों को मशीनों की खरीद पर भी भारी छूट दी जाती है। अब बिहार सरकार ने किसानों के हित में कदम उठाए। किसानों को हुए फसलों को नुकसान के एवज में किसानों को राहत देनी शुरू कर दी है। राज्य सरकार की मदद से बीमा कंपनियां किसानों को फसल बीमा दे रही है। किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ती है मगर अब आधार को सरकारी कार्यालय के अलावा प्राइवेट संस्थानों के द्वारा प्रमाणीकरण के लिए इस्तेमाल करने के लिए नियम बनाने का काम चल रहा है। इस मामले पर इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लोगों से 5 मई 2023 तक का सुझाव मांगे हैं। फिलहाल आधार प्रमाणीकरण केवल केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है लेकिन नियमों के बदलाव के बाद प्राइवेट संस्थान भी आधार का इस्तेमाल ऑथेंटिकेशन के लिए कर पाएंगे। विमानन कंपनी एयर इंडिया ने दुनिया भर में अपने नेटवर्क की सभी उड़ानों में एक बार इस्तेमाल हो सकने वाले प्लास्टिक का इस्तेमाल 80% तक कम कर दिया है। एयर इंडिया ने एक बयान जारी कर यह जानकारी दी है। विमान में छुरी कांटों को प्लास्टिक के थैलों के बजाय कागज में पैक करके देना, प्लास्टिक के स्ट्रॉ की जगह कागज के बने स्ट्रॉ उपलब्ध कराना, पेय पदार्थ में वस्तुओं को घोलने के लिए प्लास्टिक के बजाय लकड़ी के स्टिक इस्तेमाल करना और लीनन से बार बार इस्तेमाल किए जा सकने वाले थैले मुहैया कराना हरित प्रयासों के तहत उठाए गए कुछ कदम है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के बीच पीलभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी के बयान ने एक बार फिर सियासी हलचल बढ़ा दी है। बीजेपी सांसद ने चुनाव में होने वाले बेतहाशा खर्च पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने हिंदी अखबार में एक लेख द्वारा चुनाव में बेतहाशा खर्च का सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि चुनावी चंदे पर नियंत्रण जरूरी है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार पर उद्योगपति गौतम अडानी से उनकी मुलाकात को लेकर निशाना साधा है। मोइत्रा ने पवार की मुलाकात के बारे में एक रिपोर्ट साझा करते हुए ट्विटर पर लिखा है कि मैं उनके खिलाफ बोलने से डरती नहीं हूं, मैं केवल यह उम्मीद कर सकती हूं कि वे अपने पुराने रिश्तों को देश से ऊपर रखने की समझ रखते हैं।
हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था, जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया। उनके नाम है जितेंद्र कुमार ठाकुर, नुन्नू गोलू कुमार, बिट्टू कुमार राज, MD साकिर हुसैन, तस्लीमुद्दीन और चंदन झा। बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, चुनाव में मिलने वाले चंदे को नियंत्रण में रखा जाए इसके लिए क्या करना चाहिए। आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।